अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग है जी ईद के ड्रेसेस में शो करूंगी। इसमें आपको अपनी बच्चियों के, उसके अलावा जो छोटे मोटे काम जो रह गए थे ईद के, वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जी ईद के ड्रेसेस के ऊपर। तो ये है जी अलीज़ा का फर्स्ट डे का ड्रेस, और ये फैंसी में बना हुआ है। उसको खुद भी बड़े फैंसी पसंद है ड्रेसेस, और ये इस तरह से बड़े प्यारे से ना इसके ऊपर डिज़ाइनिंग हुई हुई है। ये देखिए जो एंड में ना सारे नेट के साथ ये फ्रिल बनाई हुई है, फ्रिल के ऊपर इस तरह से इन्होंने लेस अटैच की हुई है। बहुत प्यारा सा फ्रॉक है, और बहुत प्यारा सा ना इसका कलर भी बहुत प्यारा मोतिया कलर है इसका। बहुत प्यारा सा इसका जो है ना फ्लेयर भी है, और ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पर इस तरह से बिग बो बनी हुई है, उसके अंदर इस तरह से बटरफ्लाई इन्होंने अटैच की हुई है, और सारी जो फ्रिल है ना फ्रंट और बैक दोनों साइड पे उन्होंने इस तरह से बनाई हुई है। तो इस तरह से ये है जी फ्रॉक, और अच्छी घेर वाली फ्रॉक है, उसको बहुत पसंद है इस तरह की ड्रेसेस। तो ये है जी इसका ईद डे वन का ड्रेस। अच्छा, उसके बाद ये इसका ये ड्रेस है बिल्कुल न्यू था, ये भी कॉटन का ड्रेस है उसका, और ये है जी एम्ब्रॉयडर्ड है सारा। इस तरह से इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और स्लीव्स पे भी एम्ब्रॉयडरी है, और उसके साथ इसका मैचिंग ट्राउज़र है। तो फैंसी कपड़े तो ज़ाहिर है बच्चे सिर्फ थोड़ी देर के लिए पहनते हैं, या बहुत हो गया तो दो तीन घंटे पहन लिए, तो उसके बाद चेंज करने पड़ते हैं बच्चों के कपड़े। तो उसके बाद मैंने ये ड्रेस रखा हुआ है उसका। अच्छा, ईद डे टू का जो ड्रेस है ना, वो उनका भी सरप्राइज़ है। जो मैंने ड्रेस बनाया था, डिज़ाइन किया उनका, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी दोनों का एक साथ। और स्टे ट्यून, और आप देखिएगा ज़रूर, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा वो ड्रेस मेरा जो मैंने डिज़ाइन किया है इनका। अच्छा, उसके बाद ये है जी अलीज़ा का थर्ड ड्रेस, और ये जो है ना ये लॉन में है, और लॉन कॉटन में है। बहुत प्यारा सा इसका कलर है। इस तरह की ड्रेसेस जो ऑफ शोल्डर या बिल्कुल स्ट्रिप्स के साथ होते हैं, उसको बहुत पसंद है, तो ये मैंने उसके लिए लिया है। इसकी बीन बॉटम पे इस तरह से सारी जो है ना फ्रिल के साथ इस तरह से अटैच हुआ हुआ है पैनल, और ऊपर सारा चुंट के साथ डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये उसकी चॉइस का ड्रेस था, तो ये मैंने उसके लिए लिया। तो ये जी अलीज़ा की ड्रेसेस, जो सेकंड डे का जो उसका ड्रेस था, वो अभी सरप्राइज़ है, वो मैं बाद में शेयर करूँगी दोनों का। और उसके बाद आते हैं जी आइजल पे। ये है जी आइजल का ईद डे वन का ड्रेस, और ये सारा जो है ना इसके ऊपर लेस वर्क हुआ हुआ है, इसके ऊपर स्टोन्स भी लगे हुए हैं। कलर बहुत प्यारा है आइजल के पास, ये पहले ड्रेस में ये कलर नहीं था। तो इस तरह से इसके ऊपर लेस वर्क, और उसके ऊपर सारा ना स्टोन्स लगे हुए हैं, फ्लावर्स वगैरह, बीड्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ये है जी इसका ड्रेस, और बहुत प्यारा कलर मुझे इसका बहुत पसंद आया है सबसे ज़्यादा। तो उसके साथ ये इस तरह से इसका ट्राउज़र एक अटैच किया हुआ है, और ये साथ कुछ ना कुछ या स्लीव्स या इस तरह से ट्राउज़र दे देते हैं। और अलीज़ा की फ़्रॉक के साथ है जी आई थिंक ट्राउज़र है, और साथ दुपट्टा है। इसको मैंने भी खोला ही भी नहीं है, और ना मैंने देखा, आई थिंक दुपट्टा है ये, और साथ इसके साथ ट्राउज़र दिया हुआ है। अच्छा, ये है अलीज़ा का आइजल का ड्रेस नंबर टू, और ये भी वो खुद चॉइस करके लेके आई है, और बहुत प्यारा सा इसका पिंक कलर है। मैं इसको अभी आपके साथ शो करती हूँ डिटेल के साथ। इस तरह से इसके ऊपर पेंट वर्क हुआ हुआ है, साथ इसमें वो एक बनी हुई है, तो डिटेल में आपको शो करती हूँ। ये है जिसका ट्राउज़र, और ये इसका एक्चुअल कलर है, इस तरह से बेबी पिंक कलर है, बहुत प्यारा सा पिंक कलर है। और ये इसकी शर्ट है, इस तरह से इसके ऊपर फ्रिल वर्क, और ये सारा जो है ना उसके ऊपर पेंट से बनी हुई है बनीस। और उसके बाद जो है ना ये है जी उसका थर्ड ड्रेस। ये ड्रेस जो था ना, ये इसका लॉन का ड्रेस मैंने बनवाया है। लॉन के ही कपड़े ज़्यादातर बच्चे पहनते हैं, तो ये ड्रेस मेरी मम्मी ने बनाया है इसका। इस तरह से स्लीव्स इसकी बनाई हैं, और ये ड्रेस भी न्यू था, तो मैंने ईद के लिए रखा हुआ है। वैसे ड्रेसेस जो है ना जो फैंसी होते हैं, बच्चे थोड़ी देर के लिए पहन सकते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो थोड़ी देर के लिए मैं पहनाऊँगी। उसके बाद जो कैजुअल कपड़े होते हैं वही पहनते हैं बच्चे, तो इसलिए मैंने ये ड्रेसेस भी सारे रेडी करके रखे हैं ईद के लिए। तो ये सारे ड्रेसेस जो है ना, इनको मैं इंशाल्लाह दोबारा ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ में आपको साथ सारा शेयर करूँगी डिटेल के साथ। तो आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से जो है ना आप आसानी से घर में अपने बच्चों के कपड़े डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये एक फ़्रॉक बनी हुई है इसकी, और ये मेरा ईद का छोटी ईद का ड्रेस आपने देखा होगा, उसके साथ जो लेफ़्ट ओवर पैचेस थे उसके और कपड़े के साथ ये बना हुआ फ्रॉक है। और ये देखिए कितना प्यारा ये बना है फ्रॉक, और फ्रिल बनाई हुई है इसके भी बॉटम पे, और जो सारा जो उसका एम्ब्रॉयडर्ड था वो उसके जो फ्रंट बॉडी है उसकी उस पर आ गया। तो बहुत प्यारा सा ये भी फ्रॉक है। अच्छा, उसके बाद ये ब्लैक में डिज़ाइनिंग करके मेरी मम्मी ने फ्रॉक बनाया आइजल का। इस तरह से ये पैचेस जो है ना उसके आ रहे हैं दामन पे, और साथ की सारी लेस लगी हुई है। लेस मुझे बहुत अच्छी लगी,
और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी इस फ्रॉक के ऊपर। और ये देखें इस तरह से जो है ना इसकी फ्रिल बहुत अच्छी है। उसके बाद ये सारी जो नेक है, बाजू हैं, सबके ऊपर ये लेस वर्क हुआ हुआ है कंप्लीट जो है ना। वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग के उसमें ना शेयर करूँगी कि आप किस तरह से बहुत आसानी से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, घर में अपनी बच्चियों के कपड़े बना सकते हैं। आजकल तो टेलर के पास कपड़े लेके जाना जो है ना वो भी बड़ा मुश्किल काम हो गया, क्योंकि टेलर्स के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं। बच्चों के कपड़े भी ज़ाहिर है वो फिर महंगे ही बना के देंगे, क्योंकि मेहनत तो उतनी लगती है जितने के बड़े कपड़ों में लगती है। तो ये है कि आप घर में आसानी से बच्चों के कपड़े डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद शूज़ पे आ जाते हैं। तो शूज़ ये मैंने आइज़ेल के मंगवाए हैं, और आइज़ेल के मैंने शूज़ मंगवाए थे, शू अफेयर नाम की वेबसाइट है, वहाँ से मैंने मंगवाए हैं ऑनलाइन। तो ये शूज़ जो है ना ये बहुत प्यारा कलर है इनका, पिंक कलर है और साथ सिल्वर टाइप का इस तरह से ना इनके साथ डिज़ाइनिंग की हुई है, उसके ऊपर फ्लावर्स वगैरह भी लगे हुए हैं। थोड़े से मैं ना आगे से बंद शूज़ आइज़ेल के लिए मैं चूज़ करती हूँ, क्योंकि आइज़ेल का पाँव बहुत पतला है, वो शूज़ में से बाहर निकल आता है। तो अगर उसके पाँव के लेंथ के हिसाब से शूज़ लेना तो उसको खुला होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा बंद शूज़ लेती हूँ आगे से। अच्छा, अलीज़ा के भी ये जो शूज़ आए हैं, ये शूज़ जो है ना उसको गिफ्ट मिले, उसके मामू ने उसको लेके दिए। लेकिन ये कि ये भी पहन सकती है वो, दूसरा जो थोड़े फॉर्मल टाइप के मैंने उसके पिछली ईद पे लिए थे शूज़, वो भी उसने सिर्फ ईद पे ही पहने हुए थे, तो वो भी मैंने रखे हुए, वो भी मैं उसको पहना सकती हूँ। तो ये वाला देखिए, ये इस तरह से बना हुआ है शूज़ इसका, इस तरह से इसकी लुक है। और ये शूज़ जो था ये उसके न्यू है। उसके अलावा जो ईद का पिछली ईद का था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ, सारा ये वाले शूज़ मैंने रखे हैं इसके। तो ये उसको ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसको फैंसी जो है ना ड्रेस के साथ फैंसी शूज़ पहनने का भी बड़ा शौक़ है। तो ये जो है ना ये मोस्ट प्रोबेबली वो यही इसको वेयर करेगी। अच्छा, उसके बाद ये है जी छोटी मोटी चीज़ें उनकी मैं शॉपिंग करके लेके आई थी। ये हैं जी उसकी चूड़ियाँ, उसके साथ एक नेकलेस, ये दोनों चीज़ें उसकी पप्पू ने उसको गिफ्ट की थी। तो वो ना नेकलेस तो उसने तोड़ दिया पहले ही, और ये चूड़ियाँ हैं उसकी। अच्छा, ये मैं कुछ चीज़ें लेके आई थी, मैं आइज़ेल के लिए छोटे छोटे क्लिप्स लेके आई थी, क्योंकि उसके भी बाल छोटे हैं, सारे बाल पोनी में आते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने क्लिप्स ले लिए। उसके बाद मैंने लिए हैं जी इनकी छोटी छोटी सी पोनियाँ ली हैं, ये बहुत प्यारे प्यारे कलर्स थे इसके, और ये बेसिकली जो है ना दोनों के काम आने वाली चीज़ें। तो मैंने जो मैंने ड्रेस खुद बनाया है उसके साथ मैंने मैच करके ना उसके कलर्स के साथ मैच करके कलरफुल पोनियाँ बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों की बहुत अच्छी लगती हैं, और मेरे घर में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये बच्चे आके पीछे कर देते हैं, तो मैं लेके आती ही रहती हूँ। ये मैंने लीज़ा के लिए लाई थी चूड़ियाँ उसके ड्रेस के साथ मैच करके, और ये थी जी आइज़ेल की, और सेम कलर इसमें नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये कि मल्टी कलर में मैंने दोनों की चूड़ियाँ ये लेके आई हूँ। और उसके बाद जो है ना मैं नेकलेस लेके आई थी। अब नेकलेस जो है ना वो मैं लेके आई हूँ अलीज़ा के लिए, बहुत प्यारा ये नेकलेस मुझे लगा था, तो ये मैं लेके आई हूँ अलीज़ा के लिए। लेकिन ये कि कल मुझे लगता है कि इनकी फिर से फाइट हो जाने वाली है, क्योंकि आइज़ेल ने पहला नेकलेस भी उसको तोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो मुझे दे दे, और अब ये मैं एक नेकलेस है तो दोनों की लड़ाई हो जाएगी। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि शाम तक एक और चक्कर लगा के बाज़ार का मैं आइज़ेल के लिए भी ले आऊँ, ताकि सुबह जो है ना ईद वाले दिन इनकी लड़ाई ना हो। तो ये छोटी सी शॉपिंग थी मेरी बच्चों की, और ईद का जो सरप्राइज़ ड्रेस है उसको ज़रूर देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, उसके बाद जो किचन का रिमेनिंग रह गया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। किचन मैंने सारा क्लीन कर दिया, सारे कैबिनेट्स इसके क्लीन कर दिए थे, चूल्हा साफ़ कर लिया सब। तो किचन की क्लीनिंग यहाँ पे मैं बिल्कुल डन कर चुकी थी। तो यहाँ पे जो है ना ये देखिए, इस तरह से मैंने सारा जो इसका मार्बल है, मैंने इसकी कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं की है क्लीनिंग की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम था और भी, और इसमें बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने बग़ैर वीडियो शूट की ये सारा किया है। चूल्हा मैंने सारा साफ़ कर लिया, सारे कैबिनेट्स वगैरह भी साफ़ किए हैं, और सारी जो वॉल्स हैं उनको भी साफ़ किया है, और जो साइड पर रैक है उसकी भी दोबारा उसको अरेंज किया है, ऑर्गेनाइज कर लिया उसमें चीज़ें दोबारा से। तो सारे छोटे मोटे जो काम थे मैंने कर लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे मतलब आज जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने लॉन्ड्री करनी थी, तो लॉन्ड्री वाले दिन के लिए मैंने और कोई ज़्यादा काम नहीं छोड़ा हुआ था। देन आई क्लीन दी वॉशरूम, वॉशरूम को मैंने बड़े अच्छे से डीप क्लीन कर दिया। वैसे वॉशरूम में ना सिर्फ एक चक्कर लगाने की देर है बच्चों की, क्योंकि ये वाइट टाइल्स लगी हुई हैं तो एकदम से ना गंदा कर देती हैं बच्चियाँ। लेकिन ये कि इसको मैंने डीप क्लीन कर लिया था वॉशरूम को भी, और सारी की सारी क्लिनिंग यहाँ पर मैं कर चुकी थी, और ईद प्रिपरेशन आलमोस्ट हो चुकी है डन। और उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।